कि पंजाब के लोगों को असी वैसे ही कहते रहे कि मैं चार हफ्ते से नशा बंद करा चार साल चो पहले नहीं चुकी किसी यही असी मीटिंग की है कि जो बाहर स्टेटा चो आ रहा ये पाकिस्तान जी आ रही वो बारे भी असं कर रहे हैं जी सा फर्स्ट डिफेंस लाइन वो बी एस एफ को सैकेंड जी वो ज्वाइंट है बी एस एफ और साड़ी है तो थर्ड डिफेंस लाइन जी पंजाब पुलिस की है मेरे ख्याल उन्होंने दोनों ही साड़ी जी जी थर्ड डिफेंस लाइन है जाके कि आप ही देखो उन्होंने ज़्यादा मजबूत है ये मैं एक थोड़ा बेनती करना चाहता कि कला पंजाब क्यों जी स्टेट है जिन्हों पाकिस्तान डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा और नाल दी नाल जे तुसीं देखोगे कि नशा जिहड़ियां पोर्टां ने उन्होंने उत्तों 300-3000 किलो जां इहदे तों वड्डी क्वांटिटी भी जिहड़ी आ वो आ रही है असी अपनी पुलिस ते असी रल के इहदे ते पूरा कंट्रोल किया और कंट्रोल कर रहे हैं जिहड़ी अज दी मीटिंग सी इह मेन इही सी कि जिहड़े नशे वेचण वाले मैं एक अज रिपोर्ट पढ़ रहा सी उहदे च बिग फिश ने तुरिया दा सी पर मैनू बड़ी हैरानगी हुई है कि कैप्टन साहब के टाइम तो ला के चार साल मैं बहुत प्रॉब्लम पाता रहा मैं लास्ट लैटर जी दिखी है वो फिर मेरे ख्याल सत्तवा या अठवा महीना से जो मैं उन्होंने लैटर लिखी वो एक्शन किया एक्शन चलता रहा तो वो जो मेरे को हूँ होम आ गया जिस वे मेरे को फाइल आई है मैं देखा किया ही कुछ नहीं तो पंजाब के लोगों असी वैसे ही कहते रहे कि मैं चार हफ्ते से नशा बंद करा चार साल चो फाइल ही नहीं चुकी किसी मामले अज भी बड़ी वो राहत मिली है हाई कोर्ट तो पहला असं उठा दोबारा फिर जी अच्छा सामू जी पूरा सहयोग नहीं किया गया ए मैं एक चीज़ तुम होर क्लीयर कर देना चाहना कि लीडर कन्फ्यूज करी जाते हैं कोई कोट कपूरे वाले को जोड़ी जाता जेड़ा जी कुंवर विजय प्रताप वाली सी एक कहते उन्हें कन्फ्यूजन बड़ी लोगों से क्रिएट की है उन्होंने मैं कहना चाहना बेदबी वाली जी है गुरजवाब सिंह वाली है और कोटकपूरा जोड़ा वक्रा साड़ी बेदबी के अपनी इंक्वायरी जी पूरी ठीक डायरेक्शन के उपर जा रही है कोई भी दोषी होएगा कोई बात नहीं रहने दिता जाएगा ये जी एक चीज़ जो करनी है एक मैं तुम्हें बेनती दस देना चाहना कि ये गुरु के ना सू किसी झूठ बोलना चाहिएगा तो ना ही असं किसी नजायज ही अंदर देना जो ठीक इंक्वायरी होगी उन्होंने बंद फड़ के मेरे करो जाके कवे हाई कोर्ट मेरी जी ईडी की भी रिपोर्ट खोलो तो फिर तो असं करांगे साडी 18 तरीक डेट पई है और दोनों ही खुलन चट्टोपाध्याय की रिपोर्ट भी खुलेगी और आरती सिद्धू की खुलेगी तो ईडी की भी अं रिक्वेस्ट की थी वो भी ना रिपोर्ट खुली जाएगी फिर वो बाद दसांगे ये कित्थे खड़ा मैं बड़े अफसोस में कहना पै रहा जिस वे बिजली के बिल या एग्रीकल्चर का लैके बिल जो आए हैं उस वे बिना गल तो अकाली दल ने अंदर रौला पा के सैशन का बाइकआउट किया और बिना मतलब तो सिर्फ साढ़े चीफ मिनिस्टर इन्ना किया कि तुहाड़े लोगों का करप्शन कितने जा नशे से तुम डुबे हो कोई गलत गल नहीं कही बिल्कुल ठीक सी और ही क्योंकि वह पहले ही लगता सी कि जो रौली पाई जा रहे थी तो पहले ही लगता सी कि इन गलों का वो जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि जेडे बिजली के उस वेले कॉन्ट्रैक्ट हुए एम ओ यू साइन किए गए जाना गया उस टाइम की गवर्नमेंट के ये भाईवाल से इन्हों परिवार की वो जी मिनिस्ट्री सी उत्ते गल आती सी तो जे एग्रीकल्चर की गल करिए तो वो साइन करने वाले उस वे भी सी तो जे ये गल करिए कि जो उ सवाल यह भी उठाया कि जेडे पंजाब तो बे जी एक 300-209 आदमी किए ने पुलिस के भर्ती कर ले तो मैं बड़े हैरानगी हुई है कि जो मैं देख रहा लिस्ट तो वो टोटल उन्होंने भर्ती किए गए ने हूँ तक 209 उन्होंने सिर्फ पंजाब चो
उस तारा में भर्ती किए। कल जिस वे BSF का बिल आया कि BSF बारे उस वे इन्होंने कहा कि जो गल चली उठे मैं एक गल इन्हों कही कि तुम 209 आदमी बाहरों भर्ती करके कि गल सू अपनी पंजाब पुलिस से भरोसा नहीं कि साड़ी पंजाब पुलिस नहीं सिक्योरिटी साड़ी कर सकती कि साढ़े जोड़े जवान ने वो बॉर्डर के उत्ते असं बैठे मेरे मैं तो आप मेरा जो सैकेंड डिफेंस लाइन है मेरा अपना पिंड तो मैं क्या अज तक तो पंजाब पुलिस साड़ी सिक्योरिटी कर रही है BSF साढ़े को मदद लेंगे ना कि असी BSF की लेंगे जो कि BSF ने कोई करना तो पंजाब पुलिस ने कह दी तो जे ड्रोन जी जे ड्रोन की गल करिए फर्स्ट डिफेंस लाइन जी वो तो अगे आता ड्रोन या जो भी कोई चीज़ वो तो असी कंट्रोल करना साड़ी पुलिस ने ये असं अपने वधिया तरीके कर रहे हैं तो BSF का कोई नहीं ये जी प्रधानमंत्री जी ने आप 2012 ये कहा कि विद इन स्टेट जी तुम एक होर राज कायम करना चाहते हो उन्होंने कहा कि तुम राज एक नव राज कायम करना चाहते हो उन्होंने अपनी लैटर लिखी सी उस वे एक गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वेंकैया नायडू जी के पार्लीमेंट्री जी कमेटी बनी सी स्टैंडिंग कमेटी वो जे हूँ वाइस प्रेजिडेंट ने उन्होंने ये अगेंस्ट लेके भेजा 2011 जी कभी भी पार्लीमेंट जी बिल आया नहीं तो ना ही कभी हद वधाने की कोई वो कोई गलबात की गुजरात के 80 तो 50 हो सकता तो पंजाब का 15 तो 50 करना ये बिल्कुल पंजाब बेतबारी उन्होंने साढ़े की उदों ही कंडेम किया तो नाल ही यह मैं कहना कि जे उस टाइम से नहीं सी किया जे पार्लीमेंट में लैके गए सी तो पार्लीमेंट ने करीब नहीं किया तो मोदी साहब ने सिर्फ सीधी एक नोटिफिकेशन कर दी पार्लीमेंट ने जाने की कोशिश भी नहीं की। अज अद्धा पंजाब 50 किलोमीटर तक अद्धे पंजाब किसी भी थान पर BSF घेरा पा सकती है किसी की तलाशी ले सकती है पहला MIA ने किया हूँ ये आ गई तो यदा मतलब कि अभी जॉइंट पेशा तो नहीं तो साढ़े तो यही कर दो कि नाल तो असी हिंदुस्तान की रक्षा भी करिए सिक्योरिटी जो लड़ाई होंगी 62, 65, 71 की वार लै लो तो सब तो वह एक नुकसान होया कि पंजाब का होया गुजरात या राजस्थान लै लो ये 200-200 किलोमीटर तक तो आबादी है नहीं अमृतसर एक मीटिंग रखी थी मैं स्टेटमेंट भी भेज दो कैप्टन साहब ने तो मैं भेज दी थी मेरे को मेरा अजक मैसेज नहीं देखते मैं उन्होंने भेजी थी कि थोड़ी स्टेटमेंट सी कि BSF के जेडे रेंजर ने यह दोनों नैक्सस और रले ने इन का सू नैक्स तोड़ना पड़ेगा ता ही टुटेगा जे असी पंजाब पुलिस तो पंजाब वाले काम करेंगे कैप्टन साहब जो करेंगे उन्होंने सवाल पूछ लो तो स्टेटमेंट अमृतसर देती है या नहीं देती अपने आप जवाब उन्होंने तो घरों कटे ही किसी ने उन्होंने अपना घर से अभी तो 23 साल तो 23 साल 19.5 साल से उ कांग्रेस के गए ने सब कुछ सानू तो कभी भी ना नहीं सर फ्यूचर किस तरह दे दे कैप्टन साहब दा 2022 दे इलेक्शन में नहीं अपनी कांग्रेस दा करिए कैप्टन साहब दा फ्यूचर ते BJP देखे मैं तो देखा आम आदमी पार्टी वाले आम आदमी पार्टी पे तो तुहाडे बठिंडे दी गल कर लेने आम आदमी पार्टी तुहाडे 3 MLA सी एक मेरे कोल बीबी सी रूपी एक कुमारू सी ते एक मान सा गया तीन चले गए चौथी बेचारी सास सुणी दी शायद ओह वी आ गई मैं क्या हुण ते तीन नहीं पापा आम आदमी पार्टी यार हाउस दे विच 70 साल हो गए आजाद हुए 70 साल पार्लीमेंट या असैम्बली जो बने पहली बार होया कि कोई MLA उठ के कह रहा कि मैं जेड़ी तुहाडियां जेड़ियां योजनावां उहदे नाल सहमत हो के ते साडे चीफ मिनिस्टर कहदा मैं तुहाडे नाल बैठना चाहुंदा। देश दुनिया की हर खबर ते नजर रखन दे लई हुण साडा डेली इंटरनेशनल एडिशन पढ़न दे लई लॉग इन करो साडी वैबसाइट ते www.apnapunjabmedia.com ते तेसे दे नाल ही तुसी इत्थे साडा डेली ई पेपर भी पढ़ सकदे हो ते जल्द ही विजिट करो साडी वैबसाइट ते।